गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ महम जावेद, आई एम फ्रॉम बुदाउन। तो आज का हमारा टॉपिक है आवर टीचर्स, गुरु अर्थात अंधकार से बाहर निकालने वाला। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक उनके भविष्य को उज्जवल करता है। शिक्षक हमें धैर्य और ज्ञान के साथ हर परिस्थिति से बाहर निकालना सिखाता है। वैसे तो शिक्षक के लिए केवल एक ही चीज समर्पित है, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षक नाम की संस्था हर दूसरे पल के हकदार है और प्रशंसा योग्य भी। शिक्षक देश की साक्षरता को बनाए रखता है और राष्ट्र का पोषण करता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हर महान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ होता है। महाभारत के अर्जुन इसका उदाहरण है, जिन्होंने अपने गुरु के आशीर्वाद और सहयोग के साथ महान धनुर्धर की उपाधि प्राप्त की। ऐसे कई उदाहरण हैं जो गुरु की महिमा को दर्शाते हैं। उस समय में गुरु के आने पर राजा भी अपना स्थान छोड़कर खड़ा हो जाता था, लेकिन आज के समय में कहीं न कहीं शिक्षक को कम आंका जाता है। जब भी कोई शिक्षक किसी ब्यूरोक्रेट या अधिकारी से कार्यालय पर मिलने जाता है, तो उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है और अधिकारी मिलते समय उपेक्षित व्यवहार करता है। वो ये भूल जाता है कि इस कुर्सी के पीछे भी किसी न किसी शिक्षक की ही मेहनत है, किसी शिक्षक का ही हाथ है। और सरकार की बिना सोची समझी नीतियों के कारण आज का शिक्षक प्राइवेट तंत्र का गुलाम बन गया है और शिक्षक उपेक्षित और शोषित जीवन बिता रहा है। आज हमारे देश में शिक्षा पर प्राइवेट स्कूलों का वर्चस्व है, जिसमें कई शिक्षक कार्यरत हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स को सरकारी स्कूल के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी शिक्षक के हिस्से में केवल सरकारी अन्याय, केवल सरकारी शोषण, सामाजिक अन्याय और स्कूल प्रशासन के द्वारा ही शोषण ही आता है। इसका वर्तमान उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला। आज पुलिसकर्मी, डॉक्टर और सफाई कर्मी कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित हैं। मैं भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस टाइम में टीचर्स का काम भी कम नहीं था। उन्होंने इस काल में शिक्षा कोई ऐसी नीति खोजकर जिसकी उनको पूर्ण रूप से जानकारी भी नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस देकर शिक्षा को जारी रखा। अगर शिक्षक इस काल में ये ना करते, तो हम इस लॉकडाउन में बच्चे कोरी स्लेट की तरह हो जाते। ऑनलाइन शिक्षा लगातार चल रही है और इसमें शिक्षक ने सफलता भी प्राप्त की, लेकिन इसके पीछे की मेहनत किसी को भी दिखाई नहीं देती है। अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है ना, तो अभिभावक और प्रबंधक टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं। न जाने कितनी जगह तो शिक्षक केवल 50% वेतन पर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी भी शिक्षक ने कोई बहानेबाजी नहीं की। अगर देखा जाए तो इस टाइम में प्राइवेट शिक्षक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। गरीबों के लिए सरकार राशन दे रही है और व्यापारी धनवान लोगों को तो राशन की चिंता ही नहीं है। और लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल प्रशासन का तो सीधा जवाब होता है कि जितनी प्रतिशत फीस आएगी, उतनी ही प्रतिशत सैलरी भी मिलेगी। और हाँ, एक बात और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब भी कोई आपातकालीन अवकाश पड़ता है या कोई शीतकालीन अवकाश पड़ता है, तो नोटिस जारी हो जाता है कि छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा। शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय पहुंचकर अपना कार्य करेंगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्राइवेट शिक्षक और शिक्षिकाएं और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, क्या वो किसी की औलाद नहीं है? क्या उनमें जान नहीं है? क्या उनको जिंदगी जीने का हक नहीं है? है किसी के पास कोई जवाब? तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, शिक्षक का सम्मान करें, शिक्षक बचाएं, देश बचेगा और यहाँ बेटी भी बचेगी। धन्यवाद।